Hi everyone, welcome back to Thoughts in a Box. Today's our topic is inequations. Today we'll be practicing inequations, and you know what, inequations are really basic. So as you see this practice session, you'll understand them as well. You'll get the explanation too. Yes, I'm telling you that. So here's our question number one. So the question is, find the solution set for the following equations and replacement set is a whole number. So 3x minus 4 is less than or equal to 20. So you simply transpose 4 and simple algebra. So you know, right, how to solve a linear equation. That's what I've done here. 3x is 24, then x is less than equal to 8. Now look here, a replacement set is whole number. We have to figure out x value, make a set of it, that what could be the possible values for x. So the thing is, the numbers less than 8 can be infinite, but the condition is that we have whole numbers. Whole numbers begin from 0, so we can neglect the negative numbers in our set. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We'll include 8 because there's this equal to sign which I have highlighted, right? That's there in the inequality itself. That's why our whole number is this. In short, inequality is just an linear equation which does not have an equation. That's why it's an inequation. It has some other signs like greater than, less than, or equal to. Okay, this is the second question. 5 plus 2x is more than 10. You have to simplify it further. And then I got x is more than 5 by 2. Then I think the point is not visible clearly, but it's x is greater than 2.5. And we know that replacement set is a whole number. So 2.5 se bada hai x. 2.5 se bada, hum seedhe 3 lenge. Hum 2.67 nahi le sakte kyunki wo decimal hai. Whole number nahi hai. Aur 2.5 se bade there are infinite whole numbers. So 3, 4, 5, 6, comma dal ke of course. Aur dot 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 tak infinity tak set jayega. ठीक है, पर आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मिनिमम 3 कैरेक्टर्स लिखो, 3, 4, 5, क्योंकि मोस्टली सारी टीचर्स 2-3 एक्स्ट्रा चाहती है. ठीक है, ओके. अब सी वाला, अब ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, इसे ज़रूर नोट कीजिएगा. मैंने इसीलिए लाया ताकि एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग इफेक्ट आए. तो अगर आपको ऐसे 3 टर्म्स और 2 साइंस वाली इनइक्वालिटी मिले, जैसे कि इधर ग्रेटर दैन वाला दोनों है, या 3 से भी ज़्यादा मल्टीपल भी मिल जाए, तो आपको क्या करना है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना. जैसे हम ब्रैकेट्स नहीं बनाते, वैसे 2 पार्ट्स कर लेना. तो द फर्स्ट पार्ट जो मैंने एक्स्ट्रा किया वो है 10 इज लेस दैन एक्स प्लस 5, या एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर दैन 10. अब वही सिंप्लीफिकेशन करके 5 इज लेस दैन एक्स आ गया, या एक्स इज ग्रेटर दैन 5 आ गया. फिर उसके बाजू का जो सेकेंड हाफ है उसको एज इट इज़ नीचे पेस्ट कर दो और वापस से इस इनइक्वालिटी को जोड़ दो. अब आपकी एक्स की कंडीशन आ गई, एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड एक्स इज लेस देन 21, प्लस रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है. तो एक्स मतलब कि सॉल्यूशन सेट में ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ऐसी वैल्यूज आएंगी जो 5 से बड़ी है और 21 से कम है. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, till 21. एंड आई सजेस्ट यू कि अगर आप अपने स्कूल एग्जाम्स पे लिख रहे हो तो इसे पूरा लिखिए. डॉट 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 करके कुछ बच्चे स्किप करके बोल देते सीधे 6 से लेके 21 तक है, बट इट्स एडवाइजेबल कि आप सारे एलिमेंट्स लिस्ट करें. ठीक है, तो रिमेंबर, कभी भी ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन है तो सिंप्लीफिकेशन इज कि उस इनइक्वालिटी को पार्ट्स में डिवाइड करें, एक एक पार्ट को सिंप्लीफाई करके दूसरे पार्ट के साथ जोड़े, फिर उसको सिंप्लीफाई करें. ओके, इसलिए मैं भी यहाँ पर सब कुछ लिस्ट करी. अच्छा, अब देखो, मैंने 21 को इंक्लूड नहीं किया, राइट? 21 इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी अगर मैंने पहले में बोल दिया. 21 जो था पिछले क्वेश्चन में वो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज 21 के वहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन नहीं था, लेस देन ही था. ठीक है, अब सॉरी, ये कैमरा का थोड़ा एरर हो गया. अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और फिर
तीन टाइप के सॉल्यूशन सेट शायद मिलेंगे, क्योंकि ए बी सी जिसमें रिप्लेसमेंट सेट पहले नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ कोर्स, 3 × 3x − 8 5 × x + 4 सिंप्लीफाई किया, 3×3 = 9x − 3×24 5x + 5×4 = 20। अब ट्रांसपोजिशन किया, 4x < or = 44, x < or = 11। अब देखो ये है हमारा फाइनल इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके। अब हमें बस सॉल्यूशन सेट बनाना है रिप्लेसमेंट सेट के रिस्पेक्टिव से। पर ए क्वेश्चन में क्या था, ए हमारा रिप्लेसमेंट सेट ए में क्या है बताओ, होल नंबर्स। ओ आई एम सो सॉरी, होल नंबर्स बी वाले का है, एन नेचुरल नंबर्स। इसके आगे मैं आपको एक की भी बता दूंगी कि एन डब्ल्यू जेड आई एन वगैरह का एक्चुअल शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म का जो मेन फॉर्म है वो क्या है, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो को नेग्लेक्ट कर देंगे, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 11 भी आएगा। क्यों? क्योंकि उधर इक्वल टू साइन भी है हमारे उस ऑब्टेंड इन इक्वेशन में। अब सेकेंड केस, व्हेन आर एस इज एन इंटीजर, आई इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। तो नेगेटिव नंबर्स एक्सटेंड टू इन्फिनिटी और इन्होंने लेस देन और इक्वल टू 11 का है, तो लेस देन कैन बी इन्फाइनिट। तो पहले डॉट 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 डाला, कॉमन डाला, फिर -4 -3 वगैरह लिखा, 0, 1, 2, 3, 4। अब 1, 2, 3, 4 के आगे आपको लिखना पड़ेगा एंड तक, 11 तक 11 इंक्लूड होगा अगेन, बिकॉज एक्सप्रेशन में लेस देन और इक्वल टू साइन भी है, वो नीचे डैश भी है राइट एक्सप्रेशन में, वो मैंने कब से हाईलाइट करके रखा हुआ है इन द एक्सप्रेशन इटसेल्फ। अब सी वेयर रिप्लेसमेंट सेट, आर एस इज रिप्लेसमेंट सेट एंड एस एस इज सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट इज होल नंबर, तो होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड होगा, तो बस ज़ीरो लिखो, नेगेटिव नंबर्स को नेग्लेक्ट कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सटेंडेड अप टू 11, बिकॉज अगेन सेम रीज़न, इक्वल टू साइन इज प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। ओके यहाँ तक आप मेरे साथ हो, डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर? ओके मैंने कहा था ना अब की आ गई है, सो दिस इज द की। इंटीजर का मतलब आई, और जेड भी हम कभी कभी यूज करते हैं इंटीजर के लिए। एन इज फॉर नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू इज फॉर होल नंबर्स, ठीक है। बाय द वे जिसे नहीं पता, होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 to infinity, नेचुरल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। जेड और आई विच इज इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर्स जो कि इनफाइनाइट खुद ही होते हैं, प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स जो भी खुद इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं, एंड दे डू नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। फिर एक नंबर और एक्स्ट्रा है जिसका है क्यू या फिर आर। कुछ लोग आर यूज़ करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए, बट मैंने मोस्टली क्यू देखा, सो क्यू इज़ फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पता है ना, इन सब का कलेक्टिव जिसमें फ्रैक्शंस भी इंक्लूड हो गए। कन्फ्यूज मैं नहीं कर रही हूँ ना, रैशनल नंबर्स पता है ना क्या होता है। रैशनल नंबर्स के केसेस कम ही आते हैं, वैसे भी ये लोग नेचुरल नंबर, होल और इंटीजर पर ही स्टिक करते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसके बाद हमें उसको जो सोल्यूशन सेट आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सो सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन, आई गेट एक्स इज मोर देन 37 एंड रिप्लेसमेंट सेट इज़ अ नेचुरल नंबर, सो मोर देन 37। अब मोर देन और इक्वल टू 37 नहीं लिखा है, तो 37 को हम सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, 38, 39, 40, 41 डॉट 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 डॉट। Now let us represent this set on a number line.
सो दिस इज हाउ यू आर गोना रिप्रेजेंट इट. एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर कुछ नेगेटिव नंबर्स ड्रॉ करेंगे. भले ही वो ड्रॉ करेंगे, ओके विल मेंशन इट. ऑल्दो दीज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन सेट, यू स्टिल हैव टू शो देम बिकॉज अ नंबर लाइन हैज इट. सो आई हैव शोन सम टर्म्स. मैंने तो यहाँ पे 3 टर्म्स दिखाए. ओ गाइज, डिड यू नोटिस आई मेड अ मिस्टेक हियर. मैंने -1 -2 -3 लिख दिया. आई एम सो सॉरी. -3 उस साइड आएगा और 0 के जस्ट बाजू में -1 आएगा. दिस एक्ट वॉज सो डैम डम ब्रो. मतलब मैं कितनी डम हो सकती हूँ. -3 -2 -1 लिख दिया. 0 के बाजू में -1 -2 -3 ऐसे जाना चाहिए. तो तुम ध्यान रखना, सच में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने. अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी नंबर लाइन ही चेक नहीं होगी. दिल से व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइन यू हैव मेड. ओके सो आफ्टर 0 1 2 लिखा, उसके बाद कुछ नंबर स्किप किए क्योंकि हम इतने नंबर्स लिखते बैठेंगे 38 तक पहुँचने के लिए तो पता नहीं कितना स्पेस लग जाएगा. स्किप के लिए 2 डॉट्स, मतलब ऐसे डॉट्स दिखाने हैं मिडल पर, फिर बाद में आगे अपने नंबर्स लिख दो, बोल्ड कर दो, उसके बाद एक एरो हेड बना दो. अब क्योंकि हमारा सेट इनफाइनाइट है तो हमें भी वो पेंसिल से, जैसे तुम बोल्ड कर रहे हो, मैं ब्लू मार्कर से कर रही हूँ, तो मैंने ब्लू मार्कर से ही ऊपर डॉट डॉट बनाए हैं. यू कैन सी टू शो दैट माई सोल्यूशन सेट इज़ गोइंग ऑन टिल इन्फिनिटी. उसके बाद ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, हमेशा 2 एरो हेड्स बनाना, पॉइंट्स को बोल्ड कर लेना अपने सोल्यूशन सेट में जो बिलोंग करते हैं. एरो हेड्स नहीं बनाया देन इट विल नॉट बी चेक्ड. और हाँ, मेक 2 एक्स्ट्राज मैंने लिखा. उसका मतलब है कि अपना जो नंबर है जैसे 38 है तो उसके पहले 2 एलिमेंट्स लिखना और लास्ट में तुम्हारा ख़त्म होने के बाद भी 2 एलिमेंट्स लिखना फॉर अ प्रॉपर एनक्लोजमेंट एंड सेफ्टी. ठीक है, और एकदम प्रॉपर इक्वल गैप्स रखना, गैप्स स्केल जो भी है वो इक्वल रखना. ठीक है, और पेंसिल यूज़ करना हमेशा नंबर लाइन के लिए. तो अभी तो मैं ये बोल रही हूँ बट एक्चुअल में जब मैं इंस्ट्रक्शंस लिख रही थी ना तभी मैं भूल गई थी आपको बताना. तो फिर मैंने आगे के पार्ट्स में कहीं मुझे जब याद आया तब मैंने बोर्ड पे लिखा है. ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में भी हमें ऑफकोर्स सोल्यूशन सेट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. एक्स -3 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -7. अब यहाँ पे इक्वल टू साइन है, राइट? दैट्स वाई हम इस -4 को जो हमें सब्सटीट्यूट करने के बाद मिला है, ट्रांसपोज करने के बाद मिला, आई एम सो सॉरी, वो -4 भी सेट में इंक्लूड होगा. प्लस ये ग्रेटर दैन है तो इन्फिनिटी आएगी हमको, -4 -3 -2 -1 उसके आगे ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा नंबर. बट लेकिन वो -4 से पहले इनफाइनाइट नहीं जाएगा. ओके, आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू, राइट? मैं कन्फ्यूज़ नहीं कर रही ना, बहुत सिंपल था कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -4 तो इंटीजर है और तुम वैसे ही एक्सटेंड करो. मैंने जो बोला उसमें कन्फ्यूजन मत होना. देखो, वेन एवर ड्राइंग अ नंबर लाइन यूज़ पेंसिल. मैं पहले बोलना भूल गई थी एक्चुअली, इसलिए फिर अभी नोट करके बता रही हूँ. अभी ये नंबर लाइन है, अब तुम बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे हम. ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करना आई होप तुमको समझ आ गया हो. बेसिक गाइडेंस ही चाहिए थी जो मैंने बता दी. प्लस सेकेंडली, आई एम सो सॉरी, मेरी पिछली वाली नंबर लाइन में मैंने -3, लिटरली मैंने -3 -2 को उल्टा कर दिया था यार, मेरे को गिल्ट फील हो रहा है. खैर, तुम ध्यान रखना, मैंने जो फर्स्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में मिस्टेक की है ना, दैट्स रियली रॉन्ग, ध्यान रखना. ओके, अभी सुनो, यहाँ पर -6 -3 -6 -5. ओके, तो मैं यहाँ पे 2 एक्स्ट्राज रख रही हूँ जो कि है -6 और -5. ठीक है, अच्छा. और सुनो, -4 से पहले मैंने 2 एक्स्ट्रा गैप्स रखे और अभी मुझे याद आया कीप इक्वल स्पेस स्लैश गैप स्लैश स्केल, तो मैंने वो अभी फर्स्ट से नोट पर लिख दिया. ठीक है, ध्यान रखना. -4 -3 0 और फिर पॉइंट्स बोल्ड कर. अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से नंबर लाइन बना रही हूँ और ब्लू मार्कर से मैं बोल्ड कर रही हूँ. यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस. तुमको पेंसिल से ही नंबर लाइन बनाना है और पेंसिल से ही बोल्ड करने हैं पॉइंट्स को. ठीक है, विजिबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए. अब मैंने नंबर लाइन छोटी कर दी क्योंकि पहले मुझे लगा बहुत बड़ी जाएगी. ओके, लीव इट. ठीक है,
अरे आई रियली होप कि तुमको ट्रांसपोजिशन जो एकदम बेसिक एलजेब्रा होती है, -3 को उधर भेज के एक्स की वैल्यू निकाली, वो आती है. वरना मतलब क्यों देख रहे हो इन इक्वेशंस? आई नो तुमको आती है, ठीक है, इतना मैं अज्यूम कर सकती हूँ. नहीं तो फिर बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा पहले सीखना पड़ेगा, फिर ये सीखोगे कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं ट्रांसपोज करके. हाँ ये कुछ मैंने बहुत फालतू बोल दिया, ठीक है, प्लीज़ इग्नोर कर दो. ओके, सी क्वेश्चन हमारे पास है. 6x+5 इज लेस देन 13. एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो सॉल्व करो. चलो सो इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी आंसर्स फ्रैक्शंस में आ रहा है, आंसर्स आंसर फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर अपने रिप्लेसमेंट सेट की कंडीशन लगाकर उससे अपना सोल्यूशन सेट ऑब्टेन करो. क्योंकि अगर तुमने उसे फ्रैक्शंस में ही रहने दिया तो तुम उसको रिप्लेसमेंट सेट के साथ रिलेट नहीं कर पाओगे और सोल्यूशन सेट तक आना वुड बी डिफिकल्ट. दिस इज़ द इजिएस्ट वन आई गेस. हाँ, क्योंकि 0 और 1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना इज़ द मोस्ट ईजी थिंग. तो चलो अब रिप्रेजेंट तुम ही कर लो. हाँ वैसे मुझे अभी एक और पॉइंट याद आया कि तुम्हें हमेशा यूज स्केल टू ड्रॉ अ नंबर लाइन ऑलवेज. देखो 0 और 1 को मैंने बोल्ड कर दिया एंड ये मेरी सबसे सिंपलेस्ट नंबर लाइन थी. अच्छा, ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग नंबर लाइन, इसके आराम से तुमको 3 से 4 मार्क्स कवर कर सकते हो. इसलिए नंबर लाइन को एकदम पेशेंटली और नीटली बनाना और क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक अवॉइड करना ताकि तुम ये 3 से 4 मार्क्स ऐसे बज कर लो. वैसे मुझे ये सब कहने में और ये सब समझाने में बहुत क्रिंज लगता है क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चंस को ओलंपियड पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करती हूँ. क्योंकि उससे आप मतलब इतने क्रिएटिवली सोल्यूशन ढूंढते हो और एक ही सेकंड में आंसर आ जाता है. मतलब एक सेकंड नहीं बट लॉजिकल आंसर आता है. ये स्कूल में स्टेप्स बहुत लिखने पड़ते हैं, राइट? शायद मेरी बात से सब अग्री नहीं करते होंगे, कुछ तो करते होंगे, कमेंट्स में बताना. बट येस, वेन यू आर गिविंग योर स्कूल एग्जाम यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग योर स्कूल विच सेज़ कि स्टेप्स लिखने पड़ेंगे तो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे. एंड ओलंपियड एग्जाम सेज़ कि तुमको डायरेक्ट अपने क्रिएटिव मेथड से आना है, सो यू हैव टू आना है. ओके तो ये डी वाला है, इसमें भी हमें इक्वेशन को सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना ही है. सो हाँ अभी सुनो, ये एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ प्रेफरेबल टू कीप वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा आप ट्राई करो कि आपका जो वेरिएबल पार्ट है वो पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि नेगेटिव में अगर आप श्योर हो कि आप हैंडल कर लोगे, आप कोई सिली मिस्टेक नहीं करोगे, देन यू कैन कीप इट नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो फिर से मेरे पास फ्रैक्शन आया 13/3, है ना, तो मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँगी. सो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है. अगली चीज़, एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी रूल है कि जब भी तुम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो किसी भी इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन को विद अ नेगेटिव नंबर, तो साइन चेंज होगा ऑपोजिट में. जैसे कि 5 इज़ ग्रेटर दैन -2, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों साइड्स LHS और RHS को डिवाइड करूँ -1 से. -1 एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है. LHS एंड RHS बोथ साइड से मेरा मतलब ये है. तो 5 डिवाइड बाय -1, अब ये साइन मान लो ऐसे ही रह रहा है, ठीक है. आई डोंट चेंज दिस साइन, मैं बस इसे एवी ही कॉपी कर रही हूँ. और -2 डिवाइड कर रही हूँ मैं -1 से, तो आ रहा है -1 और 2 आ रहा है इस साइड.
पर अगर मैं साइन को चेंज ही नहीं कर रही हूँ, वो ऐसे ही रह रहा, तो ये इनइक्वालिटी गलत है ना, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। इसलिए ये रूल है कि तुमको साइन को चेंज करना है, क्योंकि -5 इज़ लेस देन 2, तब जाके ये मैथमेटिकली करेक्ट होगा। समझ आया? अच्छा, अब यही जो रूल है ये सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, ओनली व्हेन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ऑफ नहीं एक्चुअली बाय अ नेगेटिव नंबर, करेक्ट प्रपोजिशन। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ पॉजिटिव नंबर, द साइन डज नॉट चेंज, साइन रिमेन्स सेम। So that is what I was telling. Sign of inequality does not change when multiplied or divided by a positive number. और देख लो, negative number से multiply divide किया तो sign change होगा, opposite sign में बन जाएगा, जैसे greater than या less than में shift होगा। फिलहाल इसका proof देख लो, जो अभी second rule मैं बताई हूँ। Let's say मैंने दोनों sides को +1 से divide किया तो expression वही रह रहा है। मे बी अगर मैं 2 या 3 से डिवाइड कर रही हूँ, 1 की जगह, +1 की जगह, एक्सप्रेशन चेंज होगा, बट स्टिल उसकी वैल्यूज में वैसा फ़र्क नहीं आएगा। ओके, यहाँ तक देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड मे यू डू द वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम्स। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, तो ट्राई करके देख लो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, DPP टाइप ऑफ। बाई।